जय राम जी की। हमारे बुंदेलखंड में का है ना, इतना बढ़िया रेस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, जो जो शहर में तो दे नहीं सका थे। अब इतने का बोला थे ग्रैंड फादर, हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं बब्बा जी तुम्हारी जय हो। शहर में का बोला थे अरे ओ ग्रैंड मदर, हमारे बुंदेलखंड में बोला थे ओ दादी अम्मा तुम्हारे पाँव पड़े। इतने का बोला थे शहरों में क्या बोलते हैं हाउ स्टाइलिश, हमारे बुंदेलखंड में बोला थे अरे भाई तुम तो खूब ही उम्दा लग रही हो, उम्दा यानी फिट। शहरों में बोलते हैं बड़ा फिगर, बड़ा स्टाइल। हमारे बुंदेलखंड में स्टाइल विस्टाइल नहीं बोलते, हमारे बुंदेलखंड में बोलते हौरी कितनी सुंदर लग रही हो तुम, और इस सुंदरता में जो मिठास है ना वो कहीं नहीं है। कितनी भी इंग्लिश बोल लो, कितना भी इटालियन सीख लो, फ्रेंच सीख लो, कितना भी एडवांस बन जाओ मेरी तरह, कितने भी शॉर्ट कपड़े स्टाइलिश कपड़े पहन लो, लेकिन दोस्तों याद रखना हमारी जड़ें आज भी भारतीय हैं। हम सब भारतीयम को बढ़ावा दें, भारतीयम, और जिस दिन हम इस भारतीयम से दूर हो जाएंगे उसका परिणाम हम अभी से भुगतना शुरू करने लगेंगे। आप देख रहे हो आज घर में बच्चे, जो बंगाली बच्चे हैं वो बंगाली नहीं बोलते, जो मराठी बच्चे हैं वो मराठी कम बोलते हैं, इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, जो गुजराती बच्चे हैं वो भी इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। तो प्लीज़ माता पिताओं को काइंडली रिक्वेस्ट है अपनी भाषा को प्रफुल्लित करो, पल्लवित करो, क्योंकि अगर भाषा का ह्रास हो गया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना हम पूरी तरह कभी वेस्टर्न बन सकते हैं, और अगर भाषा संस्कृति चली गई तो ना हम पूरी तरह कभी हिंदुस्तानी बन पाएंगे। जय राम जी की।